जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन भी फायरिंग, आज पाक रेंजर्स के मारे जाने की खबर, चार जवान शहीद, पांच नागरिकों की मौत। नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में सौंपी आईटी रिपोर्ट, कहा रिपोर्ट से साबित होगा घोटाला। योगी सरकार की पत्थर दिल पुलिस का घिनौना चेहरा, सहारनपुर में घायलों को तड़पते छोड़ा, गाड़ी गंदी होने से बचाने के लिए ली दो की जान। दिवालिया होने की कगार पर अमेरिका, शटडाउन पर ट्रंप की कोशिश फेल, सेनेट में बिल नहीं हुआ पास। कोर्ट परिसर में गोलीबारी के विरोध में साधनपुर के बाजार बंद, वकीलों ने की सुरक्षा की मांग, व्यापारियों ने भी दिया बंद को समर्थन। कोटा के जेके लोन अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज को एचआईवी संक्रमित, खून चढ़ाने का आरोप, अस्पताल प्रशासन ने किया इनकार, जांच के आदेश। शराबबंदी के लिए राजसमंद की मंडावर पंचायत में वोटिंग, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग, 5 बजे के बाद होगी काउंटिंग। प्रदेश में उपचुनावों के लिए प्रचार तेज, सीएम आज नसीराबाद में तो अजमेर में पायलट और रघु शर्मा कर रहे जनसंपर्क। बीजेपी से नाराजगी पर टूटी अजमेर डेयरी अध्यक्ष की चुप्पी, अटकलों को दरकिनार कर गई, बीजेपी का साथ देने की बात। धार्मिक रणनीति की प्रयोगशाला बने उपचुनाव, जातियों को लुभाते हुए मंदिरों की शरण में पहुंचे राजनेता, कट्टर पंथ और सॉफ्ट हिंदुत्व फॉर्मूले, सारा गणित बताएगा फर्स्ट इंडिया। सत्ता के सिंहासन तक का सफर मतदाताओं के दिलों से होकर गुजरता है और दिलों में जगह बनाने के लिए वादों को निभाना पड़ता है, और जब वादों का चक्रव्यूह टूटता है तो फिर आरोपों के सहारे सियासी पहचान का सिलसिला शुरू हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपचुनाव सियासी घमासान और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अब मंदिरों के रास्ते जीत का सफर तय करने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी से विधायक से लेकर मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यकर्ता भी मैदान में है, और कुछ ऐसा ही कांग्रेस के अंदर भी है। लेकिन अब कैसे दोनों की रणनीति तेजी से बदल रही है और कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और वादा कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं उपचुनाव सियासी घमासान। तो राजस्थान के उपचुनाव में यूं तो कई प्रयोग हैं जो हो रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जातिगत होते होते ये चुनाव धार्मिक धारा में बहता हुआ मंदिरों की शरण तक पहुंच चुका है, कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मंदिरों में धोख लगा रही है। बीजेपी खुद को हिंदुत्व की छवि के साथ पहले ही प्रोजेक्ट कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब सेकुलरिज्म के झंडे से आगे बढ़ते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। चुनावों में आपको हर रंग दिखाई देगा, सियासी रंग भी नजर आएगा, जातिगत रंग भी नजर आएगा और धार्मिक रंग भी नजर आएगा, और सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा बहती भी दिखाई देगी। जी हाँ, दोनों ही पार्टियों ने मंदिरों में धोख के सहारे जीत को प्रशस्त करने की नीति बनाई है। बीजेपी हमेशा से ही इस राह पर चलती आई है, खासकर राम मंदिर के मुद्दे के बाद, लेकिन अब जिस तरीके से गुजरात चुनाव में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को साधती दिखाई दी, इसके बाद इसी फॉर्मूले को राजस्थान उपचुनाव में प्रयोग किया जा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस का दिखा सॉफ्ट हिंदुत्व, कांग्रेस प्रत्याशी लगा रहे हैं मंदिरों में धोख, रघु शर्मा और सचिन पायलट पहुंचे कई मंदिर, बीते कुछ दिनों में दोनों कर चुके हैं 10 मंदिरों के दर्शन। यानी कांग्रेस भी समझ चुकी है कि उसको जीतने के लिए अपनी नीति को बदलना पड़ेगा,
लेकिन राजगढ़ के भैरव मसानिया धार के टेका में जो दिखाई दिया वो शायद देश के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। दरअसल यहाँ अजीब संयोग ये हुआ कि पहले यहाँ सचिन पायलट दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से रवाना हुए एक घंटे के अंदर यहाँ मुख्यमंत्री राजे पहुंचे। और कमाल देखिए, दोनों ही नेताओं ने प्रदेश में जीत के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना की। यानी अब दोनों में से कौन जीतेगा ये भगवान भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। अजमेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, जहां प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे खुद यहां पर पहुंची हुई हैं, प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गज पीसीसी चीफ और कई और जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज की अगर दिनचर्या की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने किस तरीके से अपनी ताकत झोंकी, क्या प्रचार प्रसार रहा आज पूरे दिन? देखिए, अजमेर लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार पूरे शवाब पर है। आज खास बात है कि नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। पिछले दो दिन से ये देखा जा रहा है कि केकड़ी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचती है तो उसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार पहुंचते हैं, तो आज एक बार फिर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में दोनों नेता है और दोनों ने अपने प्रचार का श्री गणेश आज भगवान के मत्था टेक कर किया। राजगढ़ में जो प्रसिद्ध भैरव मसानिया धाम है वहाँ पहले सचिन पायलट और रघु शर्मा पहुँचते हैं और उसके तकरीबन एक घंटे बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुँचती है। तीनों सीटों पर जीत के साथ सुबह की खुशहाली की कामना दोनों ही नेताओं के जरिए यहाँ पर की जाती है और उसके बाद राजे जो है नसीराबाद जाती है और केकड़ी और बिचौलिया की तरह विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ उनका जनसंवाद जारी रखता है। फिलहाल हम जहाँ मौजूद है अजमेर शहर में, वहाँ अजमेर उत्तर और दक्षिण दो जो विधानसभा सीटें आती है उनके मतदाताओं, नेताओं, कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाज के लोगों से सीएम राजे यहाँ मुलाकात करिए, तो वहीं पीसीसी चीफ और रघु शर्मा नसीराबाद के गांव में सघन जो जनसंपर्क है वो करें, तो कह सकते हैं कि प्रचार पूरी तरह पर परवान पर है। और लगातार दूसरे दिन सीएम राजे अजमेर दौरे पर रही, अजमेर की हर स्थिति और सियासी जो अपनी नजर है वो उन्होंने बनाए रखी, तो एक बूस्टअप करने का काम सीएम राजे यहाँ अपने नेताओं को कर रहे हैं। जी, वहीं सुनने में ये भी आ रहा है दिनेश कि जिस मंदिर में दोनों ही पार्टी के मुखिया यहाँ पर गए थे, वहां पर जब कांग्रेस के पीसीसी चीफ गए तो उस मंदिर के महंत जो है वो उनसे नहीं मिले। वहीं जब एक घंटे के बाद प्रदेश की मुखिया यानी कि वसुंधरा राजे जब वहां पर पहुंची तब महंत उनसे मिले भी, यही नहीं पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर करवाई गई है, कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, आप ये तो बात सही है कि जब सचिन पायलट और रघु शर्मा वहाँ पहुँचते हैं धाम पर तो वह जो महंत है चंपादास जी महाराज वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमने पता लगाने की कोशिश की तो ये सामने निकल कर आया और खुद जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि मेरे कोई खास मिलने वाले थे, उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी और वो अस्पताल में एडमिट थे, मैं उनके लिए गए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जैसे ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहाँ पहुँचती है तो चंपादास महाराज जी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन चंपादास जी महाराज ने कहा कि कोई अस्पताल में भर्ती था तो इसलिए मैं नहीं आया। खैर, पहले ही जो है सीएम का स्टाफ वहाँ आ चुका था तो तमाम सियासी समीकरण साधने की एक कोशिश है उस एरिया में। जो चंपादास महाराज है मंदिर के, उनकी पूनम काफ़ी अच्छी पकड़ है, उनकी एक आवाज़ पर जो है मतदाता और स्थानीय लोग उनका कहना मानते, तो ये कहीं ना कहीं इस बात में ज़रूर सच्चाई हो सकती है कि शायद जो है सरकार की तरफ से उनसे कहा गया था कि आप उनसे जो है कांग्रेस नेताओं से नहीं मिले, क्योंकि मिलने से कई तरह के मायने निकल जाते हैं, कई तरह के मैसेज जाते हैं, लेकिन खुद उन्होंने इस चीज़ का जब हमने उनसे चर्चा की तो खंडन किया। लेकिन ये बात सही है कि वो सीएम आए तब अचानक वहाँ पर प्रकट हो गए और वहाँ मिल गए, क्योंकि उनकी काफ़ी मान्यता है, मिलने नहीं मिलने में भी कई तरह के मैसेज जो है वहाँ से निकल गया। और कह सकते हैं कि भाजपा आसपास जो मतदाता है या जहाँ उस धाम की मान्यता उसके जरिए जो है इसको भुना सकती है। जी, यानी कि अब ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जो इस मंदिर के महंत थे वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व का अब अंतर समझने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम बातचीत के लिए, तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही धार्मिक आधार पर अब ये चुनाव लड़ा जाना है, ना कि विकास के मुद्दों पर।
ये तस्वीर साफ है, लेकिन फिर भी विकास की बातें आपको हर नेता की जुबान पर सुनाई थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि जब हमारे सहयोगी दिनेश डांगी ने पीसीसी चीफ सचिन पायलट से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रवाहन पर है। कांग्रेस उम्मीदवार रघु शर्मा और पीसीसी चीफ सचिन पायलट लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर। किस तरह वो जनता से वोट मांग रहे हैं और किस तरह सरकार की नाकामियां गिन, सर किस तरह रिस्पांस मिल रहा है कैंपेन के दौरान? देखिए, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ कि पब्लिक में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। सभी वर्कर्स, कार्यकर्ता, नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं और 4 साल से जो सरकार की नाकामियां हैं वो अब बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। वसुंधरा जी अब अजमेर में है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पड़ा हुआ है, लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग खुल के हो रहा है, उसके बावजूद भी लोगों का मन कांग्रेस के प्रति है और 3 सीटों पर हम ऐतिहासिक बहुमत लेकर जीतेंगे। तो पूर्व विधानसभा उपचुनाव की तरह पर कल मैम यहाँ आ चुकी, अलग अलग जाति की और समाज वाइज बैठ के ले रही, तो ये अच्छी बात है क्या? एक मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम करेंगे तो ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि चुनाव जीतना ही जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन आप अलग अलग समाज को बुला के अलग अलग क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप किसान की बात करो, नौजवान की बात करो, विकास की बात करो, लेकिन आप विवादित इश्यूज को टच करके वोट बटोरने की अगर कोशिश करेंगे तो जनता उसको नाकाम करेगी। हम सर पब्लिक के बीच भी है, कहीं ना कहीं वो जो आपने काम कराए कि वो कहते हैं कि नो डाउट सचिन पायलट ने यहाँ काम कराए, लेकिन सरकार ने 4 साल में नहीं कराया, किस तरह कंपेरिजन मतदाता करेंगे? वो स्वाभाविक है, जो 5 साल हमारी सरकार थी, जो हमने काम किया, और 4 साल से बीजेपी की सरकार है। विकास ऐसा इशू है जो हर आदमी को टच करता है। आज सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, गैस का सिलेंडर जो 350 रुपये का था आज 750-800 रुपये का है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है और उसके बावजूद सरकार किस मुंह से वोट मांग रही है, समझ से परे है। मांडलगढ़ और अलवर भी आप जा रहे हैं लगातार, किस तरह वहाँ क्या उम्मीदें हैं? मैं अलवर कई सभाएं करके आया हूँ और अलवर में तो हम लाखों वोटों से जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि 3 सीट पर जो 3 बीजेपी के पास थी, अब बदलाव की हवा बिल्कुल परवान पर है और हम 3 सीटों बहुत कंफर्टेबली जीतेंगे, सरकार चाहे कितना दम लगा ले, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है। तो ये थे सचिन पायलट, उनका कहना है कि कतई सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया जाए, लेकिन जनता जो है विकास के नाम पर वोट देगी और तीनों जगह जो है जनहित में और विकास के कार्य जो है नहीं कराए गए, लिहाजा जनता में बहुत आक्रोश है। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ में दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। तो पीसीसी चीफ को सुना आपने, अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से हमारे सहयोगी अमरदीप शर्मा ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, काफी व्यस्तता के बावजूद अभी यहाँ पे नाश्ता करने बैठे हैं, करीब 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे सर आपका नाश्ता हो रहा है। चुनाव में ये सब चलता है, चुनाव में सब कुछ चलता है। काफी लंबी मीटिंग हुई विधायकों के साथ भी और प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्रों में सुबह जल्दी चले गए, क्या लगता है चुनाव अभी किस मोड पे है, जो प्रेजेंट की स्थिति में? चुनाव बहुत अच्छे मोड में है और अलवर शहर की, अलवर जिले की जो जनता है उसका भी बड़ा सकारात्मक रुख है और उसका एक ही कारण है कि जिस प्रकार से आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने यहाँ पे जो विकास के काम करवाए हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो गरीब को समर्पित किए और नीचे तक उस योजनाओं का लाभ मिला है, उन सभी बातों को लेकर के यहाँ की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक उत्साह है और उनका इस बात का विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र को आगे ले जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही विकास के काम करा सकती है। कांग्रेस ने तो आज तक इस देश को जातियों में बांटने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को एक सूत्र में बांध करके इस देश का विकास कर रही है, ये जनता की आवाज है। भंवर जितेंद्र आज सुबह दौरे पे निकले तो उन्होंने कहा कि परनामी जी से लेकर के तमाम उनकी सरकारी मशीनरी यहाँ पड़ी हुई है, अलवर का चुनाव मानो पता नहीं कैसे क्या हो गया है। देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह जी से ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार के नाते चुनाव लड़ती है, हमारा एक परिवार का चुनाव है और जब परिवार का चुनाव होता है तो परिवार के सदस्य उसमें काम करते ही हैं। ये कांग्रेस नहीं है जो मनमुटाव हो, मतभेद हो और मतभेदों के चलते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में चले, और ये सत्य है जब तक कोई पार्टी एक मुखी होकर के नहीं चलेगी वो सही परिणाम नहीं दे पाएगी, और हम राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक मुखी होकर के काम करना चाहते हैं और कांग्रेस जिस प्रकार से व्यक्तिवाद और परिवारवाद में घुसी हुई है,
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद में है और कांग्रेस परिवारवाद और व्यक्तिवाद में है। बीजेपी के बूथ विस्तारक योजना को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारा कंपटीशन, हमारा बूथ हमारा गौरव से है, आपके 35 लोग एक बूथ पे हैं और हमारे 11 लोग हैं, तो इस कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं? आप अलग सा समीकरण सा निकाला है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, इसलिए उसका और हमारा संगठन के मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं है किसी प्रकार का। फिलहाल अलवर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार अपने कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ना सोशल मीडिया पे दिख रही है ना जमीनी स्तर पर बूथ विस्तारकों को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवालिया निशान उठता है कि क्या कांग्रेस के फायरब्रांड नेता अलवर में आके प्रचार करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अलवर और अजमेर मांडलगढ़ तीनों सीटों पर झोंकी हुई है और यकीनन यहाँ पर किस तरीके से समीकरण बदलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन विनय यदुंसी के साथ अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर। तो उपचुनावों को लेकर फर्स्ट इंडिया की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।